स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए हम महंगी महंगी क्रीम, फेस सीरम, फेस पैक का प्रयोग करते हैं, जिसमें कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है और इसे स्किन पर लगाने से स्किन एलर्जी की समस्या हो जाती है और स्किन डल पड़ने लगती है। ऐसे में स्किन को नेचुरल तरीके से हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखने के लिए आप होममेड चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्हीं घरेलू चीज़ों में से एक है संतरा। संतरे का रस त्वचा की अनेक समस्याओं को दूर करने के लिए और उनसे बचाव करने में भी मदद करता है। संतरे में विटामिन सी की मात्रा होती है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो स्किन में कसावट बनाए रखता है और स्किन की झुर्रियों और फाइन लाइंस को भी दूर करता है। चेहरे पर होने वाले टैन और गंदगी को भी हटाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक चम्मच बेसन। स्किन केयर के लिए बेसन का इस्तेमाल काफ़ी टाइम पहले से किया जाता है। बेसन एक आजमाया हुआ घरेलू उपाय है। अगर आप ग्लोइंग स्किन के साथ साथ बेदाग त्वचा पाना चाहते हैं तो आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे एक चम्मच संतरे का रस। संतरे का रस विटामिन सी से भरपूर होता है। ये त्वचा की गहराई से सफाई करता है, त्वचा के डेड स्किन को हटाता है और स्किन पर होने वाले एक्स्ट्रा ऑयल को भी रिमूव करता है। अगर आपके चेहरे पर मुहासे हैं तो आप नियमित रूप से संतरे का रस अपने चेहरे पर लगाएं। चेहरे का कालापन, टैनिंग और पिगमेंटेशन और दाग धब्बों जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए भी आप इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून कोकोनट ऑयल। पॉल्यूशन के कारण चेहरे पर रूखापन आ जाता है, दाग धब्बे और भी कई तरह की समस्याएं हो जाती है और इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए नारियल का तेल बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप रोज़ रात को सोने से पहले चेहरे पर नारियल के तेल से मसाज करते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, या फिर आप नारियल तेल का फेस पैक बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक फेस पैक तैयार कर लें। और 15 से 20 मिनट तक चेहरे पर इसे ऐसे ही लगाकर छोड़ दें और फिर फेस को वॉश कर लें। हफ्ते में 2 से 3 बार आप इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं।